मैं तो आपका दास हूँ, केवल आपके चरणों की सेवा चाहता हूँ। जहाँ आप हैं, मैं भी वही हूँ। भरत आए और राम जी के चरणों में बिलक फिर कर बिलक बिलक कर रोने लगे। रामचंद्र जी भरत से मिले, फिर गुरुदेव और माताओं की चरण वंदना करने लगे। महाराज दर्शन
के प्रेम में डूबा जा रहा हूँ। वही चाहता हूँ जो भरत चाहता है। महाराज जरा सुनाए है, वे विदेह है, उन्हीं से कोई उपाय पूछे। जनक जी ने अपने गुरु शंकर जी को प्रणाम किया और बोले, मैंने जो विचार किया है उससे तो भरत के ही प्रेम में थी। भरत जो चाहते हैं वही राम को करना चाहिए, लेकिन प्रेम की भी एक नीति होती है। भक्त को अपने आराध्य की भावना को समझना चाहिए। भक्त को अपनी इच्छा को छोड़कर अपने आराध्य की इच्छा को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। उसे तन मन वचन से उनके सुख के लिए बातें करना चाहिए। यह सुनकर भरत जी की आंखें खुली। उन्होंने सोचा, मैंने तो श्रीराम से पूछा ही नहीं कि उनकी प्रसन्नता किसमें है। मैं तो केवल अपना दुख दूर करना चाहता हूँ। जनक जी फिर बोले,
तुम ये नहीं करती कि मेरी वजह से ही अब तक तुम्हारे प्राण बचाए हैं? यदि मैं चाहता तो तुमसे बलपूर्वक ही विवाह कर सकता था, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। Thank you.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। महाराज जनक ने पिता ने हमारी आंखें खोली
और आपके चरणों में गिर करके बोले जी प्रभु भैया तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, तुम किसमें प्रसन्न हो। इसी को कहते हैं भक्ति। हम भगवान का भजन करने जाए हैं, अपने सुख की कोई बात यदि उनसे कहो बाबू तो तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाए। किसमें गोपियों का चरित्र देखो, उसमें जिस प्रकार से बताया गया है गोपियां अपने लिए कुछ भी नहीं करती थी, श्रृंगार नहीं करती थी, भजन भोजन नहीं करती थी, कृष्ण के लिए ही वो श्रृंगार करती थी, भोजन बनाती थी, भोजन पीती थी, सब कुछ कृष्ण के लिए अपने माता पिता भाई बंधु लोग ठाकुर लज्जा सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था। किसके लिए? चलो उनके लिए। राम से पूछा है भैया और मैं तुम्हारे लिए तुम किसमें खुशी होगे। रामचंद्र जी ने कहा देखो मैंने राज्य तो ले लिया, अब वो राज्य मेरा है, किंतु पिताजी का आदेश मांग करना है, इसलिए मेरे राज्य को एक मंत्री की मेरे प्रतिनिधि होकर के उनका काम बंद करो, मैं अंतिम दिन जरूर पहुंच जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनकी खड़ाऊ ले ली सिर पर और बोले एक दिन का विलंब होने से तुम भारत को नहीं देख सकते। राम ने अग्रसा समझ कहो मैं उसके पहले दिन ही पहुंच गया होता, इसका नाम है भक्ति। पहले वो किताब बंधु भक्ति वह है जिसके लिए कृष्ण के लिए अपने माता पिता भाई बंधु पुत्र धन ऐश्वर्य धूल संलज्जा गोपियों जैसा सब छोड़ करके उसकी आराधना है, अपने सुख की कोई बात उनसे मांगे नहीं। जो कुछ हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हो रहा है उसी को स्वीकार करके जीवन निर्वाह करते हुए भजन करके इस जगत से चला जाए। पहला पाठ तो ये हुआ, अब दूसरे पाठ को आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से सीता जी का चरित्र बहुत ही सुंदर रहा। यद्यपि 15 मिनट में उन्होंने सब समाप्त कर दिया है तो बहुत लंबा, इस प्रकार से हनुमान जी गए सीता जी का पता लगाया और उनकी दी हुई चंद्रिका को ले आए, रामचंद्र को दिया, फिर विजयादशमी आ रही है उसी दिन यात्रा की, समुद्र में फूल बांधा, फिर वहां गए और इस प्रकार से जितने रावण को उपकरण को मेघनाथ को सबको मार करके और अंत में सीता जी को ले आए और सीता जी को भी कहा मैं तुम्हारे लिए युद्ध नहीं किया तो क्या इच्छा कर चली जाओ। सीता जी ने कहा जब तक पहले क्यों नहीं कहा, सीता बनाई और उसमें प्रवेश की गई, उसमें से आदमी देवता निकले, बोले सीता पवित्र है हमारे पास थी रामचंद्र जी ने दिया था और वो सीता जी को ले गए। पहले वाली सीता जिसको चुराया गया वो पाया सीता, अशोक सीता अग्नि में थी और रक्त में से अग्नि देव ने उसको दिया, अंत में फिर अयोध्या में लौटा है। बहुत प्रेमा अभी मैं जो आज जिन्होंने बात किया उनका नाम घोषणा कर रहा हूँ, फिर वो गुरुदेव के पास जाके आशीर्वाद लेंगे। इसमें राम बनी थी, एक एक करके चल दिया, राम बनी थी आरुषि, सीता बनी थी चंद्रिका, वशिष्ठ जी समीरा, भरत बने थे मधुरी का, जानकी जी नुपुर, कौशल्या बनी थी स्वाति, लक्ष्मण शिवम, हनुमान बने थे ममता, मेघनाथ बने थे नवती, इसके अलावा
जिन्होंने सीता जी की सहेली के रूप में कार्य किया और कई मैया बनी थी। रुचि रुचि का लवदीप रिधि कोमल वंदना कीर्तिका और वंशिका और शत्रुघ्न बने थे रौनक। सबके लिए पूरा जिला प्रचार करिए।